Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Hina Be Healthy. Friend, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही important विषय पे बात करने वाले हैं, the most fertile days to get pregnant fast. हम आज fertile symptoms के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको पहचान के आप अपने गर्भ धारण करने के chances को और भी बढ़ा सकते हैं. जब कोई महिला गर्भ धारण करने के लिए प्लान करती है या फिर ट्राई करती है, तो पूरे महीने में वो दो ही ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. बहुत सारे कपल्स को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि बस ट्राई कर रहे वो कंसीव करने के लिए, लेकिन उनको ओवुलेशन या फर्टाइल विंडो के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है. देखिए फ्रेंड, जब आप गर्भ धारण करना चाहते हैं और गर्भ धारण करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको फर्टाइल विंडो और ओवुलेशन पीरियड के बारे में मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, उसके अंदर हमने आपको ओवुलेशन पीरियड के बारे में बताया. आज के इस वीडियो में हम फर्टाइल विंडो की बात करने वाले हैं, जो ओवुलेशन पीरियड से भी 3 गुना ज़्यादा आपको गर्भ धारण करने में हेल्प करता है. ओवुलेशन पीरियड से भी बहुत अच्छा पीरियड माना जाता है फर्टाइल विंडो को, जो गर्भ धारण करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आपको 1 महीने में ही प्रेगनेंसी कंसीव करवाने में हेल्प कर सकता है. तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं फर्टाइल विंडो है क्या, इसको कैसे निकालना है और फर्टाइल विंडो के सिम्टम्स क्या है, जिसको आप घर बैठे पहचान के अपने गर्भ धारण करने के चांसेस को और भी बढ़ा सकते हैं. वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है, तो वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. ये वीडियो हर एक इनफर्टिलिटी कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मेक श्योर आप वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कर दें. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्टाइल विंडो होता क्या है. ये मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि फर्टाइल विंडो है क्या और हमें जब गर्भ धारण करना है तो फर्टाइल विंडो में ट्राई करना है या फिर ओवुलेशन पीरियड में ट्राई करना है. ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, मैं वो भी आपको बताती हूँ. क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने हमारा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उसके अंदर जब वो ओवुलेशन ट्रैक करते हैं तो उसके अंदर 6 दिन आते हैं, 3 फर्टाइल डेज और 3 ओवुलेशन डेज. तो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से दिन पे ट्राई करना है, फर्टाइल विंडो में ट्राई करना है या फिर ओवुलेशन विंडो में ट्राई करना है. तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपका यही क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ. अगर आपने अब तक हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके अभी डाउनलोड कीजिए. क्योंकि गर्भ धारण करने के लिए आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके गर्भ धारण करने के चांसेस को बढ़ाता है. तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्टाइल विंडो है क्या. देखिए फ्रेंड, जब भी आपका ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट होता है, ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट होने के 2 दिन जो होते हैं पहले के, उसको हम लोग फर्टाइल विंडो कहते हैं. फर्टाइल विंडो क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ. जब आपका एग रिलीज होता है ओवरी से और ये फेलोपियन ट्यूब में आता है, तो इसके जो पहले के 2 दिन होते हैं, इसको हम लोग फर्टाइल विंडो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ट्राई करने से आपके गर्भ धारण करने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं. क्यों बढ़ जाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ. जब आपका ओवुलेशन होता है, तो उस टाइम पे जो एग रिलीज होता है वो सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहता है. तो फ्रेंड, हर महीने फॉलिकल स्टडी या फिर ओवुलेशन किट का इस्तेमाल करना सब लोगों के लिए मुमकिन नहीं है. इससे यहाँ पे क्या हो जाता है, मिस्टेक लोग ये कर देते हैं, या तो ओवुलेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद वो ट्राई करते हैं, या फिर ओवुलेशन पीरियड होता ही नहीं है, उसके बहुत दिन पहले ही वो लोग ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए, जिसकी वजह से एक अंडा और स्पर्म मिल ही नहीं पाता और उनको प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पाती. अब ओवुलेशन से 2 दिन पहले के जो दिन होते हैं, जिसको हम लोग फर्टाइल विंडो कहते हैं, इसमें हम ट्राई करने आपको क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड आपके अंदर 7 दिन तक स्पर्म जीवित रहता है, जबकि अंडा रिलीज होके सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहता है. इस 24 घंटे में अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है और यूट्रस में आके आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है. लेकिन अगर उस 24 घंटे में उसको स्पर्म नहीं मिलता है, तो वो अंदर ही डिजॉल्व हो जाता है और आपको नेक्स्ट पीरियड आ जाता है. तो ये प्रोसेस हर महीने चलता रहता है. लेकिन फ्रेंड, आपके ओवुलेशन होने के 2 दिन पहले अगर आप लोग ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका स्पर्म अंदर चला जाता है. स्पर्म 7 दिनों तक जीवित रहता है, तो 2 दिन बाद अगर आपका ओवुलेशन होता है, तो वहाँ पे वो स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है. मान लीजिए आपने फर्टाइल डेज में ट्राई किया कंसीव करने के लिए, और उन दिनों पे ट्राई करने के 4 दिन बाद आपका ओवुलेशन हुआ,
तो भी वो स्पर्म जो है अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा और आपको कंसीव हो जाएगा। तो फ्रेंड अब तक आप समझ गए होंगे कि फर्टाइल विंडो कहते किसको है। ओवुलेशन होने से 2 दिन पहले जो दिन होते हैं इसको हम लोग फर्टाइल विंडो कहते हैं। ये ओवुलेशन से भी अच्छा पीरियड होता है गर्भ धारण करने के लिए। इसमें बहुत सारी महिलाओं ने ट्राई करके विद इन अ 1 मंथ में कंसीव किया है। अगर आप लोग बहुत सालों से ट्राई कर रहे कंसीव करने के लिए तो अपने फर्टाइल विंडो को यूज़ करना ज़रूर सीखें, क्योंकि इसको यूज़ करने से आपको नेचुरल तरीके से बहुत ही जल्द प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ओवुलेशन पीरियड कब है, हमारा फर्टाइल विंडो कब है। तो फ्रेंड इसीलिए तो मैंने आपको कहा है कि हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लीजिए, क्योंकि आप वो एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं और उसके अंदर अपनी पीरियड की डेट डालते हैं और पीरियड का साइकिल लेंथ डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको आपका ओवुलेशन ट्रैक करके दे देता है। और मान लीजिए कि आपने भूल भी गए कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है तो वो आपको रिमाइंड भी कराता है कि आपका ओवुलेशन अभी स्टार्ट होने वाला है या फिर ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो गर्भ धारण करने के लिए हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन ज़रूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख लीजिए। उसके अंदर 6 डेट्स आती है, 3 फर्टाइल डेज और 3 ओवुलेशन डेज। तो इन 6 दिनों में ज़रूर ट्राई करें, हाई चांसेस है आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी लेडीज़ ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके कंसीव किया है। ये हमारा ही एप्लीकेशन है फ्रेंड, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप लोग हीना हेल्थ सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब तक हमने जाना कि फर्टाइल विंडो होता क्या है और इसको ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि फर्टाइल विंडो के क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसको पहचान के आप अपने घर बैठे ही नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने के अपने चांसेस को और बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम है फर्टाइल विंडो का सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर्वाइकल म्यूकस यानी कि जो वाइट डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम होती है पीरियड के 12वें या 14वें दिन, उस दिन तो हमारा ओवुलेशन होता है, तो उस दिन पे फर्टाइल विंडो कैसे आ गया। तो फ्रेंड मैं आपको कहना चाहूँगी बहुत सारे लोगों को यानी 99% लोगों को ये नहीं पता है कि जब आपको वाइट डिस्चार्ज होता है यानी कि सर्वाइकल म्यूकस में आपको चेंजेस दिखते हैं तो उसके 2 दिनों के बाद में आपका ओवुलेशन होता है। यानी कि अगर सीधा सीधा मैं आपको बोलूँ तो जिस दिन आपका सर्वाइकल म्यूकस निकलता है, जिस दिन वाइट डिस्चार्ज आपको निकलता है और वो एग वाइट की तरह होता है और स्ट्रेच करने पे इजीली स्ट्रेच भी हो जाता है तो वो आपका फर्टाइल विंडो होता है। उसके 2 दिनों बाद आपका ओवुलेशन होने वाला होता है। बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट में भी पूछ चुके हैं कि मैडम जिस दिन हमें सिम्टम दिखते हैं ओवुलेशन के तो क्या उसी दिन ओवुलेशन होता है। तो मैं उनको रिप्लाई भी दे चुकी हूँ कि जिस दिन आपको ओवुलेशन के सिम्टम दिखते हैं उसके 2 दिन के बाद में आपका ओवुलेशन होने वाला होता है। तो सबसे पहला जो सिम्टम है फर्टाइल विंडो का वो है सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस। आपको जो है वाइट डिस्चार्ज होगा। अब ये वाइट डिस्चार्ज जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, एकदम थिक होगा, थिक कंसिस्टेंसी में होगा, एग वाइट की तरह आपको ये दिखेगा और स्ट्रेच करने पे आसानी से एकदम स्ट्रेच भी हो जाए। तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपका फर्टाइल विंडो स्टार्ट हो चुका है और उसके 2 दिनों बाद आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो फ्रेंड अब तक आप समझ गए होंगे कि ओवुलेशन पीरियड जब आपको सिम्टम दिखते हैं उसके 2 दिनों के बाद में होता है। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। सेकेंड जो फर्टाइल विंडो का सिम्टम है वो है हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि आपकी सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। जब भी आप किसी घर में बैठे हैं, कोई चीज़ जल रही है, किसी भी चीज़ की आपकी जो सूंघने की क्षमता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड ये भी एक सिम्टम है जो कि दर्शाता है कि आपका फर्टाइल विंडो स्टार्ट हो चुका है। और ये सिम्टम जब भी आपको दिखता है तो समझ जाना कि फर्टाइल विंडो अब आपका शुरू हो चुका है और आगे के 2 दिनों में आपका ओवुलेशन भी होने वाला है। तो फ्रेंड जब भी आपको ये सिम्टम दिखते हैं तो समझ जाना कि आपका फर्टाइल विंडो स्टार्ट हो चुका है और आगे के 2 दिनों में आपका ओवुलेशन भी होने वाला है। तो इन दिनों पर ज़रूर ट्राई करिएगा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तीसरा जो लक्षण है फर्टाइल विंडो का वो है ब्रेस्ट में टेंडरनेस और सॉरनेस। बहुत सारी महिलाओं के जो ब्रेस्ट में हैं चेंजेस दिखते हैं, बहुत सारी महिलाओं में चेंजेस नहीं भी दिखते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि ओवुलेशन पीरियड में हमें कोई भी तरह के सिम्टम्स नहीं दिखते। तो
तो फ्रेंड देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर विदाउट एनी सिम्टम्स ओवुलेशन हो रहा है, और बहुत सारी महिलाओं में ऐसा भी होता है कि सिम्टम्स तो दिख रहे हैं लेकिन ओवुलेशन नहीं होता। तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए आपको फॉलिकल स्टडी करवाना पड़ेगा, यानी ओवुलेशन स्टडी करवाना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन फ्रेंड मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये 99% अश्योर हो जाता है कि आपके अंदर ओवुलेशन होने वाला है। तो फ्रेंड तीसरा जो लक्षण है वो है ब्रेस्ट में टेंडरनेस एंड सॉरनेस। ये भी हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जिस दिन आपको ये सिम्टम दिखता है, जिस दिन आपके ब्रेस्ट में थोड़ा भारीपन आपको फील हो और टच करने पे आपको थोड़ा सा पेन भी हो, तो समझ जाना कि आपका फर्टाइल विंडो शुरू हो चुका है और आगे के 2 दिन में आपका ओवुलेशन होने वाला है। चौथा जो लक्षण है फर्टाइल विंडो का वो है पेल्विक एरिया में पेन या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन होना। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है ओवुलेशन का। बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है, जब ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो किसी भी एक साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर राइट साइड की ओवरी अंडा रिलीज कर रही है तो उस साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेफ्ट साइड की ओवरी एग रिलीज कर रही है तो उस साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये फ्रेंड सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो फ्रेंड अगर आपको ये सिम्टम नज़र आता है तो समझ जाना कि आगे के 2 दिनों में आपका ओवुलेशन होने वाला है, और जिस दिन आपको ये सिम्टम दिखता है तो समझ जाना आपका फर्टाइल विंडो स्टार्ट हो चुका है। तो उन दिनों पे भी आप लोग गर्भ धारण करने के लिए ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ओवुलेशन पीरियड से भी ज़्यादा अच्छा माना गया है फर्टाइल विंडो पीरियड। इसमें ट्राई करने से 1 महीने में ही आपको प्रेगनेंसी इंशाल्लाह कंसीव हो जाएगी। तो फ्रेंड ये थे वो 5 प्रमुख लक्षण फर्टाइल विंडो के, जिसको पहचान के आप आसानी से घर बैठे ही गर्भ धारण करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती कि ओवुलेशन पीरियड क्या होता है, फर्टाइल विंडो क्या होता है, या फिर किसी को अगर नॉलेज होती भी है तो उन्हें सिर्फ इतना ही पता होता है कि पूरे महीने में ओवुलेशन पीरियड आता है, उसी में कंसीव करने के लिए हमें ट्राई करना है तो हमें गर्भधारण हो जाएगा। लेकिन फर्टाइल विंडो ओवुलेशन पीरियड से भी अच्छा होता है ये 99% लोगों को नहीं पता है। तो फ्रेंड आज से ही अपने फर्टाइल विंडो को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ओवुलेशन पीरियड से 3 गुना बेहतर फर्टाइल विंडो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवाने में हेल्प कर सकता है। तो फर्टाइल विंडो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मैंने यहाँ पे आपको फर्टाइल विंडो क्या होता है, कैसे इसको ट्रैक करना है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ हो। जितने भी लोग इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया कि फर्टाइल विंडो को ट्रैक करने के लिए आप लोग हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करके रख लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।